महोदय, मैं खास करके इस बात की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह बिहार शरीफ का ही मामला नहीं है, बिहार में हुआ है। पटना में जो पुलिस का अत्याचार हुआ है उसमें हकीकत अभी सामने आई है कि हॉस्टल में से एक लड़के को नीचे फेंक दिया गया और उसकी मौत हो गई। बदमाशों को गिरफ्तार करो या तो समझ में आता है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद गोली से उड़ा दो, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। श्रीमान, आंध्र प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो गोली आदिवासियों पर चली उसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। मैं उन हालात की तरफ आपके जरिए और इस सदन के जरिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदिवासियों पर जुल्म न सिर्फ उस तारीख से बल्कि कई सालों से एक संगठित तरीके से हो रहे हैं, और पहले से जो आदिवासी उन इलाकों में बसे हुए हैं वे न सिर्फ गरीब हैं वरन वहां कई वर्षों से रहते आए हैं। कई जमाने से वे वहाँ पर काश्त करते आए हैं। कुछ समय बाद यह हुआ कि जो गैर आदिवासी हैं वे उनको तंग करने लगे और उनकी ज़मीनों को छीनने लगे। इस पर आदिवासियों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके बाद उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी सरकार ने बनाया। इस कानून के तहत आदिवासियों की ज़मीनों को किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया, जिसके कारण उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि आज भी ऐसे हजारों केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उनकी रक्षा के लिए जो कानून बना हुआ था उसको लागू करवाने पर जोर दिया, और उनसे जो ज़मीनें छीनी गई थीं उनको वापस लेने के लिए संघर्ष छेड़ा। इसके लिए उन्होंने एक आम सभा की, लेकिन गैर आदिवासी लोगों ने पुलिस की मदद से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। जिस समय यह कब्जा किया गया उस समय आदिवासी लोग आम सभा में गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर धारा 144 लगाई गई, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था। जब वे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर गोलियां चलाईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उनमें से 25 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए। इस गोली कांड में 14 औरतों और 6 बच्चों की भी जाने गई हैं। यह बहुत ही अफसोसनाक घटना है, जिसको कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। आज तक उनके घर वालों को पता भी नहीं है कि जो लोग गोली कांड में मारे गए उनको कहाँ जलाया गया। उनकी लाशें उनके घर वालों या रिश्तेदारों को भी नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए और उनके लिए जो कानून सरकार ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए। उनकी जो भी ज़मीनें छीनी गई हैं उनको वापस लौटाया जाए, उन ज़मीनों पर उन्हें वापस बसाया जाए जो कि गैर आदिवासी लोगों को कब्जों में चली गई हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को हिदायत दे कि वह आदिवासियों की सुरक्षा करे। उपसभा अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनके बावजूद हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है, और उसको देखते हुए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साल के बजट को देश के लिए काला बजट कहा जा सकता है। श्रीमान, जनता सरकार जब आई थी उस समय मूल सूचकांक 211 था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आईं तो 16 महीनों में वह बढ़कर 233 हो गया, यानी 15% कीमतों में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब जनता पार्टी ने जो देश में गल्ले का स्टॉक छोड़ा था वह 18 लाख टन था, जो कि अब घटकर इस समय 10 लाख टन रह गया है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था, और उसमें 50 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी। इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 15 लाख लोगों को ही रोज़गार उपलब्ध कराने का
प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा गया है कि सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे निराशाजनक हैं। जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर जमीन की योजना रखी थी, जिसको इस सरकार ने घटाकर 13 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी इसका पता नहीं है। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए यह लक्ष्य रखा था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है उनमें से 50% गांवों में बिजली दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी 40% काट दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट आई है, जबकि किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। श्रीमन, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज देश में भ्रष्टाचार में और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल गलत है। चीनी की कीमतें आप देखिए कि किसानों से गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है और चीनी बाज़ार में किस भाव में बिक रही है। सरकार व्यापारियों को महंगे दामों पर चीनी बेचने से रोक नहीं सकती है और बिचौलिए किसानों से कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि आज जो देश के अंदर शासन चलाने वाले हैं उनकी आबादी केवल 1% है और उनकी मदद करने वाले 4% हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी 10% है, बाकी के 85% लोग गरीब हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। इस तरह की असमानता हमारे देश में है तो किस प्रकार से देश के गरीबों का संतुलित विकास हो सकता है। आज भी देश के 50% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए मकान नहीं है। वे लोग आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं।